हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजीव है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अपने जियो सिम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप अपने किसी अदर ऑपरेटर का सिम आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसे भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब यह है कि आप अपने सिम को लॉक कर कर रख सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपका फ़ोन गिर जाता है या चोरी हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपके जो सिम कार्ड है आपके नंबर को कोई भी मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जो भी आप सिम कार्ड यूज़ करते हैं उसका एक डिफ़ॉल्ट पिन होता है, जिसके जरिए आप अपने नंबर को, अपने सिम कार्ड को लॉक या अनलॉक कर पाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको, मान लीजिए अगर आप अदर ऑपरेटर के सिम कार्ड को यूज़ करते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट पिन होता है ज़्यादातर वो होता है 1 2 3 4, या फिर होता है 4 टाइम्स 0। तो लेकिन जो जियो सिम है इसका जो डिफ़ॉल्ट पिन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सिम कार्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले जिस भी ऑपरेटर का सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके कस्टमर केयर से आप सबसे पहले 8 नंबर्स का PUK कोड ज़रूर ले लें। बाई चांस आपने अपना पिन उसमें गलत डाल दिया अपने सिम कार्ड में लॉक करने के लिए, तो हो सकता है कि आपका जो सिम कार्ड है वो ब्लॉक हो जाए। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पर ऐप्स में जाते हैं और मान लीजिए हमने गलत पिन डाल दिया तो क्या होता है। तो चलिए हम ऐप्स पर क्लिक करते हैं, सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है, लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी। अब इस पर क्लिक करना है हमें। इस पर क्लिक करने के बाद में हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलता है, अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स। तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो देखिए हमें सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, सेटअप सिम कार्ड लॉक। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो पहला जो सिम है वो हमारा जियो सिम है, जियो सिम को हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम चलिए हम इस पर जो लॉक सिम कार्ड पर टैप करते हैं। तो देखिए 2 बार मैंने इसमें गलत जो पिन थी वो डाल दी थी। वैसे 3 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे, अगर आपने 3 बार गलत पिन डाली तो आपका जो सिम कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो मैंने 2 बार जो डाली इसमें पिन वो गलत पड़ गई। मैंने कस्टमर केयर से ली सिम, जो PUK जो पिन डिफ़ॉल्ट पिन ली है, चलिए उसको भी हम यहाँ पर डालेंगे। पहले मैंने इसमें डाली थी 1 2 3 4, दूसरी बार मैंने डाली 0 0 0, उसके बाद में 2 अटैम्प्ट मेरे बेकार चलेगा, लास्ट बचा। चलिए इसमें हम डालते हैं जो हमने कस्टमर केयर से जो डिफ़ॉल्ट पिन लिया था, लेकिन वो भी यहाँ पर काम करेगा नहीं। चलिए हम यहाँ पर डालते हैं, कस्टमर केयर से जो मैंने लिया था वो उन्होंने बताया था 5 टाइम्स 0। तो चलिए हम वो डाल कर ओके पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे ही मैंने 5 टाइम्स 0 डाला उसमें, अब देखिए यहाँ पर मेरा जो सिम है वो लॉक हो गया। अब हमसे यहाँ पर PUK कोड मांग रहा है। यहाँ पर एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, अगर आपके स्क्रीन पर PUK कोड लिखा हुआ आए या लॉक इस तरीके से हो जाता है तो आपको सिर्फ 10 टाइम्स मिलते हैं। अगर आपने 10 बार यहाँ पर गलत PUK कोड डाल दिया तो फिर आपका सिम परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। फिर आपके पास में एक ही उपाय बचता है कि आप शोरूम पर जाकर नया सिम कार्ड ले लें ब्लैंक, और उसमें जो अपना जो नंबर है आप उसमें स्वैप करा लें। तो चलिए यहाँ पर हम अपना जो हमने पहले से ले रखा है कोड वो डालते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। तो देखिए अब हमने PUK कोड डाला, अब उसके बाद में हमें जो डिफ़ॉल्ट पिन होती है वो हमें यहाँ पर देनी होती है। तो डिफ़ॉल्ट पिन जो है जियो सिम की वो आपकी है 8 टाइम्स 0। तो चलिए हम यहाँ पर 8 टाइम्स 0 को यहाँ पर डालकर ओके पर क्लिक करते हैं। एक बार हमें कंफर्म करने के लिए दोबारा से वही डिफ़ॉल्ट पिन डालनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर एक बार फिर से 8 डिजिट का जो पिन है वो डाल देते हैं, 8 टाइम्स 0 को यहाँ पर डाल के ओके पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सिम कार्ड है वो हमने अनलॉक कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं इस
पिन को आप चाहते हैं कि बदल जाए। आप मान लीजिए इसमें जो डिफ़ॉल्ट पिन है, डिफ़ॉल्ट पिन को कोई भी आसानी से क्रैक कर सकता है। आप चाहते हैं कि आप नया यहाँ पर पिन सेट कर दें, तो आप यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन मिलना है हमें, चेंज सिम कार्ड पिन, तो इस पर क्लिक करिए। तो देखिए फिर से हमारे यहाँ पर, जब हमने वहाँ पर गलत एक वन टाइम बचा हुआ था, वन अटेम्प्ट बचा हुआ था, लेकिन अब हमें यहाँ पर फिर से 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अपना जो करंट पिन है, करंट पिन हमारा वही होगा जो डिफ़ॉल्ट पिन होता है। तो चलिए हम यहाँ पर भी 8 टाइम्स 0 को डालते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। तो हमने करंट पिन डाल दिया जो 8 डिजिट का था और 8 टाइम 0 था जो। अब हम यहाँ पर अपना नया पिन सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप जो भी सेट करना चाहें, मैं यहाँ पर अपना पिन सेट कर लेता हूँ। अब आप 4 डिजिट का भी यहाँ पर पिन सेट कर सकते हैं और ओके पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर न्यू पिन देते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। कंफर्म करने के लिए जो नया पिन हमने दिया है उसे दोबारा पर हमें यहाँ पर टाइप करना है और ओके पर क्लिक करना है। तो इस तरह से हमने अपना जो पिन था वो चेंज कर लिया है सक्सेसफुली। मैसेज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने सिम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने सिम के मिसयूज़ को आप बचा सकते हैं, मिसयूज़ से आप बच सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।